हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबको इशू शाह है, जय शू, नमस्ते। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है थोड़ा लेट लतीफ़। हम जहां आने वाले थे पहले ही आ गए, रास्ते में मनाना थोड़ा जल्दी फल्दी में थे इसलिए बना नहीं पाए। तो डायरेक्टली हम जहां आने वाले थे घूमने के लिए वहीं आके बना रहे हैं। तो आप गेस करो कि हम किस जगह आए हैं। वैसे जसपुर में काफ़ी फेमस है, तो जो जो नहीं आए वो ज़रूर आना। और हाँ, ये ब्लॉग वो ज़रूर देखना जिनको नेचर से ज़्यादा प्यार है, जो ऐसे नेचर वाले जगह पे घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये वैसे लोगों के लिए, तो ज़रूर आप आके यहाँ चेक करना। वैसे हम लोग दोपहर पे आए हैं, वैसे ज़्यादा मज़ा आता है सुबह या फिर शाम को जब सनसेट होता है उस टाइम पर। तो काफ़ी अच्छी जगह है और जसपुर से करीबन होगा 30 मैक्सिमम, मुझे कुछ क्लियर याद नहीं लेकिन 30 आसपास होगा। और कुछ भैया लोग आ रहे हैं, तो भैया लोग रास्ता भूल गए हैं वो लोग, तो भैया लोग आते हैं फिर उनसे मिलाते हैं। और हम लोग लेट से निकले थे, भैया लोग पहले से जसपुर पे थे, अचानक से प्लान बना और अचानक से हम लोग इस एरिया पे हैं। तो अगर गैस कर लिया हो तो फिर कमेंट में ज़रूर बताना कि हम किस जगह आए थे, और नहीं किया तो वैसे ही मैं बता ही दूंगा। तो दिखाते हैं हम किस जगह आए, तो चेक करें। लोगों ने देख लिया होगा वीडियो, पता चला कौन सा जगह है। अगर नहीं पता चला तो ये है दिस, देखा ये रहा पूरा। और हम अभी टॉप पे हैं दिस देखा के जंगल, फिर ये मयाली डैम है, जो हल्का हल्का पानी दिख रहा है ना, ये मयाली डैम है। तो इस टाइम पे कोहरा कुछ ज़्यादा है, मतलब धुंध है हल्का, उतना अच्छे से धूप नहीं है इस वजह से क्लियर नहीं आ रही। और ये दिस देखा इसी को बोलते हैं, ये कुछ ऐसा है या आगे नज़ारे। जो नेचर से प्यार करता है वो ज़रूर आना और विज़िट करना इस जगह पे। इवनिंग पे ज़्यादा बेटर होगा, मॉर्निंग पे कोहरा कुछ ज़्यादा है, और अगर सुबह मैगी के साथ इस एरिया पे मज़े ही मज़े होंगे गाइस। तो बने रहो, भैया लोग आते हैं, टाइम लग रहा है भैया लोगों को, फिर क्या ही बोले हो, तब तक इंजॉय करते हैं हम, मैं और बहन उपासना। आज मैंने सोचा इसको भी घुमा ही दूँ, मेरे कपड़े धो देती है इसलिए। तो बनते हैं आगे, तक बने रहो गाइस। हम लोगों को यहाँ का हो चुका, अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे जगह पे। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये रही हमारी लियो, ये रही भैया की गाड़ी, और यहाँ से निकलते हैं हम लोग आगे। कहाँ जाएंगे भैया? चाय बगान। तो शायद हम लोग चाय बगान जाएंगे, तो बने रहो ब्लॉग में, दिखाते हैं रास्ते का सीन। हम लोग बोल रहे हैं यहाँ को बाय बाय, अब चलते हैं इधर साइड, और ये रहा मेन एंट्रेंस जहाँ से आते हैं लोग, और अभी चल रहे हैं घर। चाय बगान वाले रास्ते पे हैं जो शॉर्टकट जाता है, ये कुछ ख़राब रास्ते हैं, इस रास्ते से जाना पड़ता है, चाय बगान वो वाला रास्ता है। और हम लोग अभी इसी रास्ते से जा रहे हैं चाय बगान की तरफ, और चलते हैं आगे, दिखाते हैं एडवेंचर कैसा रहता है। रास्ता अभी ऐसे ही पूरा ख़राब है, चाय बगान इधर ऐसे चलते हैं।
तो गाइस कुछ ज्यादा ही एडवेंचर हो रहा है हम लोगों का, रास्ते खराब थे भैया, मजा आ रहा है रास्ते में? भैया बोल रहे ठीक लग रहा है। अभी सरोढ़ी तो कुछ ऐसा ही है, आगे अभी एक गांव है, वो गांव के बाद थोड़ा रास्ता ठीक मिलेगा, फिर हम सरोढ़ी के लिए कट जाएंगे, फिर सीधा अब डायरेक्टली मिलेंगे सरोढ़ी चाय बागान पे। तो अब रास्ते में शायद ही फोन निकालूं तो सीधा चाय बागान मिलते हैं, तब तक बाय। कैसा लगा भैया एडवेंचर वाला रोड? मजेदार था? चलो गाइस चलो सरोढ़ी चाय बागान। तो ये है इसका एंटर करने के लिए ये गेट। यहाँ हम वैसे पहले भी आए हैं घूमने के लिए, पर उस टाइम पे कंटेंट नहीं बनाया मैंने। 5:30 बजे शायद ये बंद होता है। ये चाय पत्तियाँ जो लगी हुई हैं ना, ये सारी चाय पत्तियाँ हैं। तो यहाँ पे चाय की खेती होती है बोल सकते हैं, और इसका जो खेती होने के बाद जो प्रोसेस होता है वो कहीं उधर होता है, जसपुर वाले एरिया पे। मैंने एक बार पूछा था तो बताया था ऐसा कि हाँ उधर प्रोसेस होता है, बाकी यहाँ चाय वगैरह कट पिट के जाता है उधर, फिर 3-4 दिन का रिसाइकल होने के बाद चाय पत्ती बन के हम सारे चाय पीते हैं उसी के। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं और कुछ सिनेमैटिक भी चेक कर लेना फिर। लोग एंट्री वगैरह करा सकते हैं, यहाँ पे एंट्री होता है तो पर पर्सन 10 रुपीज़ है। इधर चलो ऐसे घूम के आएंगे इधर से। मैं तो सोच रहा था ऐसे चलते फिर ऐसे घूम के आते। ये है चाय पत्ती। ये है चाय पत्ती गाइस। यहाँ पे ये जो पाइप्स देख रहे छोटे छोटे पाइप्स, ये ड्रिप करने के लिए, ड्रिप कर करके इनको सींचा जाता है डायरेक्टली, मोटे पाइप्स नहीं सींचते। तो ये छोटे छोटे पाइप्स जिसपे छोटे छोटे होल रहते हैं, उनके वजह से बूंद बूंद आते रहता है और यहाँ पे सिंचाई होती रहती है। तो जैसे और ये भी कटाई हो चुका है इनका, वो बंद हो गया सुबह टाइम पे आते हैं, अभी कट चुका है ना पूरा, कटिंग हो गया है, पहले आते तो वैसा वाला मिलता। हाँ ये रास्ता है, तो चलते हैं आगे कुछ सिनेमैटिक दिखाएंगे फिर। तो गाइस हम लोगों का ये चाय बागान में घूमना हो चुका है, हम लोग घूम लिए ये चाय बागान, इंजॉय कर लिए जितना करना था। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं जसपुर, जसपुर में कुछ सामान लेना है, कुछ हल्का फुल्का खाएंगे पिएंगे, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे घर। तो ये है उपासना, पीछे भैया, फोकस नहीं हो रहा था सॉरी गाइस, ये रहे भैया लोग, और ऐसा ही आज वैसे घूम के काफ़ी मज़ा आया। आई होप आप लोग अगर नेचर से प्यार करते हो तो आप लोगों को भी ब्लॉग मज़ा आएगा। तो चलते हैं अब सीधा घर की तरफ, जसपुर फिर घर, तक बने रहो ब्लॉग में। अभी तक हम लोग चाय बागान से निकल नहीं पाए हैं, अभी यहाँ पे कुछ वीडियो शूट इनका चल रहा है, तो हम लोग जस्ट निकल ही रहे हैं, उधर जा ही रहे हैं, और इनका वीडियो शूट चल रहा था अभी। यही सब चल रहा है, और अब गाड़ी के पास चलते हैं फिर सीधा जसपुर निकलेंगे, अब डायरेक्टली मिलेंगे जसपुर में। तब तक जसपुर तक के लिए बाय बाय। ठीक है जसपुर, अभी जसपुर में हम लोग, ये रहा जसपुर का पार्क, जो पता ही होगा यहाँ काफ़ी फेमस है। तो हम अभी कुछ खाने आए हैं, यहाँ खाते हैं फिर उसके बाद चलेंगे घर, और
आज का ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं कोई अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी यू। और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना गाइस अगर पसंद आए तो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।